हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, एक और नए टॉपिक के साथ में, एक और नई लर्निंग के साथ में। आज का टॉपिक है रिवर्स एयर फ्लो डस्ट कलेक्टर टर्मिनोलॉजी। जो रिवर्स एयर फ्लो डस्ट कलेक्टर है उसका टर्मिनोलॉजी के ऊपर हम बात करेंगे। डस्ट कलेक्टर का टर्मिनोलॉजी ये पार्ट टू है। जो ये रिवर्स एयर बनाया हुआ है डस्ट कलेक्टर का जो हमको दिया है, इसमें जितनी भी टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, रिवर्स एयर फ्लो, रिवर्स एयर ब्लैक फ्लश, डर्ट इनलेट, ये जितने भी सारे फिल्टर बैग, केज, इसमें जो जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है उन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चालू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट है ACFM। ACFM क्या होता है? एक्चुअल क्यू फीट गैस पर मिनट। क्यू फीट मीन्स क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ए गैस पर मिनट। ये क्या बोल रहा है? द वॉल्यूम ऑफ द गैस फ्लोइंग पर मिनट एट द, जो वॉल्यूम है गैस का वो 1 मिनट में कितना पास हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। एट द सम सर्टेन कंडीशन दिया है, क्या है? टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन। जो उसका एयर और डस्ट का कंपोजिशन है वो सब कुछ चीज़ों को मैटर करना है। इन सब को कंपेरिजन में कितना वॉल्यूम ऑफ गैस पर मिनट फ्लो कर रहा है उसका इसमें दिया गया है ACFM में। नेक्स्ट है एयरलॉक। एयरलॉक क्या होता है? एन एक्सिलरी कंपोनेंट टू यूज कंट्रोल द फ्लो ऑफ मटेरियल एंड गैस। जो मटेरियल एंड गैस का फ्लो को ये कंट्रोल करता है। बोथ इंट्रिंग एंड एग्जिस्टिंग, अंदर आना और बाहर जाना, दोनों चीज़ों को कंट्रोल करता है। द डस्ट कलेक्शन हब पर, जो बैक फिल्टर के बॉटम मोस्ट पार्ट है डस्ट कलेक्शन हब पर, डस्ट कलेक्शन हब पर है, उसमें आपको नीचे रोटरी एयरलॉक होगा। ऐसे यहाँ पे एक रोटरी एयरलॉक है, ये एक रोटरी एयरलॉक है सपोज, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट गैस अंदर ना जाए, उसको वो एंट्री करने के लिए रोके और एग्जिस्टिंग मटेरियल को एग्जिस्ट करेगा। वो यहाँ से मटेरियल ओनली जाएगा, एयर अंदर नहीं जाएगा, ये चीज़ को इसमें करेगा। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, इसमें ये दिखाया गया है, ठीक है। एयर टू क्लॉथ रेशियो। एयर टू क्लॉथ रेशियो क्या होता है? कि द रेशियो बिटवीन ACFM फ्लो थ्रू ए फिल्टर, ACFM और उसके बीच में फिल्टर के बीच में जो रेशियो है उसके ऊपर ये है। द रेशियो क्या है कि जैसे सपोज एक फिल्टर बैग है, उसका डाया है 159 सपोज, ठीक है। तो 159 इन उसका लेंथ है 1800 सपोज, तो क्या है उसको कट करेंगे तो ऐसे बनेगा। तो ये क्या है? पाई इंटू 159। ओके, ये टॉप का सरकमफ्रेंस हो जाएगा, ठीक है। और उसका 1800 उसका ये दिया है। तो ये क्या हो गया? ये बैक फिल्टर का एक एरिया हो गया, ये बैक फिल्टर का एरिया हो गया। और आपका क्या है, उसमें से कितना एयर पास हो रहा है उसको एयर टू क्लॉथ रेशियो बोलते हैं। ये 1:1 के रेशियो में भी होता है, 1.2, 1.62:1 के रेशियो में भी हो सकता है ये। तो ये डिपेंड करेगा आपका कितना मटेरियल है उसके हिसाब से, डस्ट पार्टिकल कैसा है उसके हिसाब से एयर टू क्लॉथ रेशियो डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है ब्लीड थ्रू। ब्लीड थ्रू क्या होता है? कि पार्टिकुलेटेड माइग्रेशन थ्रू द इंटरस्टेक्स ऑफ द फिल्टर बैग फैब्रिक। जो फिल्टर बैग का जो फैब्रिक है उसमें अंतर विरोधी, यानी कि उसमें कितना अंदर तक जाएगा वो उसको ब्लीड थ्रू बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लाइंडिंग। ब्लाइंडिंग क्या होता है? फैब्रिक जो अब है ब्लॉक हो गया है, फैब्रिक ब्लॉक हो गया है बिकॉज ऑफ डस्ट, फ्यूम एंड लिक्विड। हो सकता है कुछ डस्ट पार्टिकल से, किसी फ्यूम से, किसी लिक्विड से, और ये डिस्चार्ज नहीं हो रहा है बाई क्लीनिंग, डिस्चार्ज नहीं हो रहा है बाई क्लीनिंग मैकेनिज्म से, डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। रिजल्ट क्या हो रहा है उससे? रिजल्टिंग इन द रिड्यूस फ्लो गैस फ्लो, उससे गैस का फ्लो रिड्यूस हो रहा है और इंक्रीज प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द मीडिया। जो भी फिल्टर बैग है उसके अक्रॉस में इनलेट और आउटलेट में देखेंगे तो प्रेशर ड्रॉप बढ़ रहा है, यानी कि जो DP है हमारा बढ़ रहा है। इनलेट पे प्रेशर ज़्यादा है, आउटलेट पे कम है, तो वो जो डिफरेंस है उसको करेगा। आउटलेट पे प्रेशर ज़्यादा, इनलेट पे कम है, वो सब चीज़ में देखेगा, ठीक है। ब्लीडिंग उसको बोलते हैं। ब्लो डाउन। ब्लो डाउन क्या होता है? द पाइप कनेक्टेड टू द पल्सिंग सिस्टम। जो हमारा पल्स हो रहा है उसके सिस्टम को जो पाइप कनेक्टेड है उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि एयर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। सपोज आपका एक
बैकफिल्डर है, उसमें एक साइड में 11 चेम्बर है, दूसरे साइड में 11 चेम्बर है, यानी टोटल 22 चेम्बर है। एक चेम्बर में 3 ब्लो पाइप है, तीन एक मैनिफोल्ड लगा है, मैनिफोल्ड में 3 डायफ्राम है, 3 ब्लो पाइप है। तो वो एक एक ब्लो पाइप में, सपोज एक ब्लो पाइप में 12 बैग उसके नीचे हैं, यानी टोटल एक चैम्बर में 36 बैग है। सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो डिपेंड करेगा डिजाइन एंड ड्रॉइंग, वो सब में अलग अलग जहाँ पे भी जैसा है वो। एक ब्लो पाइप के नीचे 12 बैग हैं, तो 12 को एक साथ में, जब एक ही डायफ्राम ओपन होगा तो एक ही बार में पल्सिंग जाएगा, तो 12 को एक ही साथ में क्लीन करना है। उसको क्लीन करने के लिए क्या, उसमें छोटे छोटे होल्स नीचे दिए गए हैं, जो कि रोज इन द पल्स जेट यूनिट्स, जब जब भी पल्स होगा तो वो एक एक रो में क्लीन करेगा। केज, केज क्या होता है, द सपोर्ट स्ट्रक्चर यूज इन कंजक्शन विद द फिल्टर बैग। जो फिल्टर बैग है उसको सपोर्ट करने के लिए जो एक स्ट्रक्चर है उसको यूज के, उसको बोलते हैं केज। फिल्टर बैग डिजाइन टू मेंटेन एन ओपन स्ट्रक्चर ऑफ द फिल्टर बैग ड्यूरिंग ऑपरेशन। उसका एक ओपन स्ट्रक्चर है, उसके उसको एक शेप्ड देना के लिए उसको केज का यूज किया जाता है। उसका जो टॉप में ओपन होना, बॉटम में पूरा क्लोज होना, उस वहां से डायरेक्ट ट्यूब सीट से डायरेक्ट एयर पास ना हो, सब चीज के लिए केज, उसको एक एज ए क्या बोलेंगे सपोर्ट, एक उसके लिए एक स्ट्रक्चर है जिससे कि वो शेप्ड में रहेगा, प्रॉपर शेप में रहेगा, जो उसकी फिल्टर बैग की शेप है उसमें। कैन वाली सूटी, कैन वाली सूटी क्या होता है, इन्हें डस्ट कलेक्टर विद फिल्टर एलिमेंट सस्पेंडेड फ्रॉम द ट्यूब शीट। जो एक ट्यूब शीट है उसमें जो डस्ट कलेक्टर सस्पेंडेड है फ्रॉम द ट्यूब शीट, ठीक है। तो कैन वाली सूटी इज द अपवर्ड स्ट्रीम, एयर स्ट्रीम स्पीड कैलकुलेट एट द हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन प्लेन ऑफ द कलेक्टर हाउसिंग दैट पासेस थ्रू द बॉटम सरफेस ऑफ द फिल्टर्स। कैन वेलोसिटी क्या होता है कि कितना आपका एयर आपका पास हो रहा है एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिल्टर बैग, फिल्टर जो बैग है, जो आपका फिल्टर है उसका क्रॉस सेक्शन, ना कि उसमें, सपोज एक फिल्टर बैग उसमें 1000 बैग लगे हुए हैं, 1000 बैग 159 का डाया का है और 3660 उसका लेंथ है, तो उतना क्रॉस सेक्शन नहीं है। उन सबको क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा। जो फिल्टर बैग है उसका क्रॉस सेक्शन, यानी कि फिल्टर बैग को आप टॉप से देखेंगे तो उसका विड्थ और लेंथ में कितना है ये क्रॉस सेक्शन इसका, ना कि इसमें एक 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 फिल्टर बैग का चेक करना है, वो सबका नहीं है, एक एक फिल्टर बैग का तो बहुत ज़्यादा है। तो उस क्रॉस सेक्शन में कितना एयर स्पीड से पास हो रहा है उसको बोलते हैं कैन वेलोसिटी। एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी है, इसको ध्यान रखिए। CFM, CFM क्या होता है कि क्यूबिक फीट ऑफ एयर बीइंग मूव्ड थ्रू द सिस्टम पर मिनट। वही ए सी एफ एम और सी एफ एम सेम चीज है कि वो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर पर मिनट सिस्टम से फ्लो कर रहा है उसको बोलते हैं। क्लीन एयर चैम्बर, क्लीन एयर चैम्बर क्या होता है, डस्ट कलेक्टर एरिया थ्रू विच गैसेस आर डायरेक्टेड लोकेटेड ऑन द क्लीन साइड ऑफ द बैग्स अबोव द ट्यूब शीट। जो बैग फिल्टर का ट्यूब शीट है उसका टॉप पार्ट, ये जो ये पार्ट है, इसमें नीचे बैग्स लगे हुए हैं, इसके ऊपर का जो पार्ट है, यहाँ से जो गैस बाहर निकलेगी उसको बोलते हैं आपका क्लीन एयर चेम्बर, और बॉटम वाले को डस्ट डर्ट एयर चेम्बर बोलेंगे। तो ये है इसकी टर्मिनोलॉजी। कलेक्शन इफिशियंसी, कलेक्शन इफिशियंसी क्या होता है कि द ए मेजर ऑफ डस्ट कलेक्टर एबिलिटी टू रिमूव पार्टिकुलेटेड फ्रॉम द इनलेट गैस एक्सपेड इन प्रेजेंट। जो हमारा इनलेट में जो गैस आ रहा है उसमें जो प्रेजेंट डस्ट है उसको रिमूव करने की जो एबिलिटी है, वो जो कैपेसिटी है, उसको बोलते हैं डस्ट कलेक्शन इफिशियंसी। वो कितना रिमूव कर पा रहा है उस चीज को बोलेंगे कलेक्शन इफिशियंसी। कलेक्शन होपर, कलेक्शन होपर क्या है कि ए लोवेस्ट सेक्शन ऑफ द डर्ट एयर चैम्बर ऑफ ए डस्ट कलेक्टर दैट इज यूज टू कैप्चर मटेरियल फ्रॉम द सेपरेशन प्रोसेस। जब ये फिल्टर बैग से सेपरेट होगा तो इसके नीचे जो होपर टाइप का रहेगा, यहाँ पे मटेरियल आपका आके कलेक्ट होगा, उसको बोलते हैं कलेक्शन होपर। यहाँ पे नीचे रोटरी एलोक होगा, रोटरी एलोक से पास होके नीचे जो भी सिस्टम है उसमें जाएगा, इसको बोलते हैं कलेक्शन होपर। कंप्रेस्ड एयर सप्लाई मैनिफोल्ड, सप्लाई मैनिफोल्ड क्या होता है कि ए प्रेशर वेसल यूज टू स्टोर कंप्रेस्ड एयर द पल्सिंग ऑपरेशन। जो हमारा मैंने आपको बताया था, सब एक बैक फिल्टर में 11 11 चैम्बर दोनों साइड है, एक चैम्बर में 3 लगा हुआ है, तो वो 3 को
तीन ब्लो पाइप लगे हुए हैं, वो 36 बैग है, तो एक ग्रो में 12 बैग है, तो 36 को एक ही बार में तो नहीं दिया जाएगा, 12 को एक बार देगा, 12 को एक बार देगा, 12 को, तो उस सब के लिए एक मैनिफोल्ड होता है, एक रिसीवर टैंक जैसे होता है, एक को एयर स्टोरेज वेसल होता है, उसको बोलते हैं मैनिफोल्ड। वहां से फिर डायफ्राम होता है, डायफ्राम से आपको, जब डायफ्राम सोलेनाइड ऑपरेट होता है पल्सिंग सिस्टम से ऑपरेट होगा, तो आपका एयर उस पार्टिकुलर रो में जाके बैग को क्लीन करने के लिए यूज किया था। उसको क्या, अगेन आपको उसमें एक वॉल्यूम ऑफ एयर, सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एयर चाहिए होती है, सडन ओपन होगा, सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एयर जाना चाहिए, तब जाके वो अच्छे से क्लीन होता है, तो उसके लिए ये वेसल यूज किया जाता है, क्योंकि एक को क्लीन करने के बाद फिर अगेन उसको रिफिल होना है, रिफिल होने के बाद नेक्स्ट में क्लीनिंग करना है, एक टाइम साइकिल है उसके हिसाब से ये होना। ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट क्या होता है, आप नॉर्मल में भी आप देखें, कंडीशन द टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन बीग्स टू फॉर्म ए गैस इन कूल्ड, ये जो गैस है वो कूल होके वाटर के ड्रॉप्स में कन्वर्ट होना चालू होता है, उसको ड्यू पॉइंट बोलते हैं। डायफ्राम वाल, ए क्विक एक्टिंग कंप्रेस्ड एयर कंट्रोल वाल यूज टू प्रोवाइड फ्लो बिटवीन द मैनिफोल्ड एंड द ब्लो पाइप। मैंने जैसे आपको बताया मैनिफोल्ड और ब्लो पाइप, उन दोनों के बीच में एक रहता है, क्योंकि अगर डायफ्राम नहीं रहेगा तो क्या कंटिन्यूस एयर जाएगा, कंटिन्यूस एयर जाएगा तो आप अपने सिस्टम में प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाओगे। क्लीनिंग के लिए एक सर्टेन प्रेशर की जरूरत होती है, अगर वो प्रेशर नहीं रहेगा तो वो उसका जो शॉक है वो प्रॉपर शॉक नहीं जाएगा और वो क्लीनिंग प्रॉपर नहीं करेगा, आपको कंटिन्यूस एयर जाएगा। आप कंटिन्यूस कहीं पर भी वाल ओपन करके एयर छोड़ दिया तो आप सिस्टम का प्रेशर देखेंगे तो लो आएगा, जब उस वाल को क्लोज करेंगे तो आपको सिस्टम का प्रेशर बढ़ेगा, वो सेम चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। डिफरेंशियल प्रेशर, डिफरेंशियल प्रेशर क्या, द चेंज इन प्रेशर और द चेंज इन प्रेशर और द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस ए कंपोनेंट, यानी कि कंपोनेंट यानी कि एक बैग फिल्टर के अक्रॉस में जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है उसको, और उसमें डिवाइस कुछ लोकेटेड है विद इन द एयर स्ट्रीम, द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक प्रेशर मेजर एट द इनलेट एंड आउटलेट ऑफ ए कंपोनेंट और ए डिवाइस। जो फिल्टर बैग है उसके इनलेट और आउटलेट पे जो स्टैटिक प्रेशर मेजर किया, स्टैटिक उसमें थ्री टाइप्स का प्रेशर होता है, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप स्टैटिक प्रेशर यानी कि जो आपका पाइप है उसके वहीं एंड से लिया जाता है, सेंट्रल से लेता है, एक वेलोसिटी प्रेशर होता है, स्टैटिक प्रेशर होता है, वो अलग अलग प्रेशर है, हमको स्टैटिक प्रेशर उसमें मेजर करना होता है। स्टैटिक प्रेशर क्या होता है, जैसे पाइप है, सपोज ये पाइप है तो इसके यहीं से एक पॉइंट लेके इसको एक डिवाइस में मेजर किया जाता है, इसको स्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। ये डिवाइस इसमें आपको रीडिंग देगा, उसमें आपको सेंटर में लिया जाएगा तो वो अलग प्रेशर है, उसके बाद में वेलोसिटी डायरेक्शन में लिया जाता है तो वो अलग प्रेशर है, वो सब अलग अलग पॉइंट्स है, उसके ऊपर हमको डिस्कशन नहीं करना है, हमको हमारा टर्मिनोलॉजी याद करना है। डिफरेंशियल प्रेशर इंडिकेटर है, जो डिफरेंस प्रेशर है उसको इंडिकेट करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसको डिफरेंशियल प्रेशर इंडिकेटर बोलते हैं। ए मेजरिंग डिवाइस यूज टू इंडिकेट द चेंज इन प्रेशर और प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस ए कंपोनेंट और डिवाइस लोकेटेड विद इन द एयर स्ट्रीम, द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक प्रेशर मेजर्ड एट द इनलेट एंड आउटलेट ऑफ ए कंपोनेंट और डिवाइस। सेम चीज़ें जो आपको डिफरेंशियल प्रेशर बताया, डिफरेंशियल प्रेशर इंडिकेटर यानी कि उसको इंडिकेट करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसको इंडिकेटर बोलते हैं। डर्ट एयर चैम्बर, डर्ट एयर चैम्बर क्या है, लोअर पेनुलम प्लिनम इन द पल्स जेट डस्ट कलेक्टर लोकेटेड एट द बिलो ट्यूब शूट, ट्यूब शूट है जिस एरिया में बैग्स लगे रहते हैं उसको डर्ट एयर चैम्बर बोलते हैं, ट्यूब शूट के ऊपर में क्लीन एयर चैम्बर, नीचे डर्ट एयर चैम्बर होता है। डस्ट कलेक्टर एग्जॉस्ट, जो हमारा डस्ट कलेक्टर का जो द प्लिनम यूज टू डायरेक्ट द फिल्टर्ड गैसेज आउट ऑफ द क्लीन एयर चैम्बर ऑफ द डस्ट कलेक्टर, जो डस्ट कलेक्टर जो क्लीन गैसेज जो निकल रही है उसको डस्ट कलेक्टर एग्जॉस्ट बोलते हैं। डस्ट कलेक्टर इनटेक, डस्ट कलेक्टर इनटेक में क्या, द प्लिनम यूज टू डायरेक्ट गैस एंड पार्टिकुलेटेड इन टू द डर्टी एयर चैम्बर ऑफ द डस्ट कलेक्टर, जो आपका डायरेक्ट गैस आ रही है पर्टिकुलर इन टू द डर्ट एयर चैम्बर, डर्ट एयर चैम्बर में जो आ रही है गैसेज उनके उसके ऊपर में ये दिया है, ठीक है, जो इंटेक कर रही है जहाँ वहाँ से एंटर कर रही है उसको डस्ट कलेक्टर इंटेक बोल रहे हैं, जहाँ से डर्टी गैसेज जो एयर और डस्ट दोनों मिलके जो आ रही है इंटर कर रही है उस पार्ट को इनलेट डक्ट जिसको बोलते हैं वहाँ से आ रही है उसको डस्ट कलेक्टर इंटेक बोलते हैं, इंटेक पार्ट। डस्ट केक, डस्ट केक क्या, डिजायर्ड डस्ट बुल्ड ऑन
डिजायर्ड डस्ट बिल्ड ऑन फैब्रिक टू फिल्टर इनकमिंग गैसेज एंड की पर्टिकुलेट ऑन द सरफेस फैब्रिक सरफेस। डिजायर्ड यानी कि हमने चाह के जो डस्ट का फॉर्म किया है फिल्टर बैग के ऊपर, उसको बोलते हैं डस्ट केक, जो कि आपको उसको क्लॉथ को सेफ रखने के लिए यूज किया जाता है। इनकमिंग गैसेज द की पार्टिकुलेटर ऑन द फैब्रिक सरफेस, सर फैब्रिक सरफेस के ऊपर में लगाया जाता है, ये डिजायर्ड जो होती है उसको बोलते हैं डस्ट केक। फिल्टर बैग, ए फिल्टरिंग मीडिया यूज टू सेपरेट मेटल फ्रॉम द गैस स्ट्रीम इन ए डस्ट कलेक्टर। जो डस्ट कलेक्टर, उसमें फिल्टर मीडिया है जो आपको डस्ट और गैस को सेपरेट करने के लिए। ग्रेन लोडिंग, ग्रेन लोडिंग क्या, द अमाउंट ऑफ पार्टिकुलेटेड बाई वेट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर। जो कितना वेट है एक गिवन वॉल्यूम में, उसको ग्रेन लोडिंग बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ वेट। इनलेट बफेल, ए सॉलिड और परफोरेटेड प्लेट लोकेटेड एट द एंड ऑफ द डस्ट कलेक्टर इनलेट। जो आपका सॉलिड और इनलेट में लगाया हुआ है कलेक्टर इनलेट पेनुलम, दैट इज डिजाइन टू रिडायरेक्ट द एयर फ्लो फॉर इनिशियल क्रॉस फ्रैक्शन सेपरेशन। ये इनिशियल क्रॉस फ्रैक्शन सेपरेशन, इस टर्म्स को हम समझेंगे पहले। क्या होता है कि जो इन बेफल प्लेट होता है वो आपका डस्ट कलेक्टर इनलेट में लगा होता है। ये एक प्लेट है, उसमें क्या है, इस टाइप से एक प्लेट रहेगा इनलेट में, इसमें नीचे छोटा होल रहेगा और ऊपर जाएंगे तो बड़ा होल रहेगा। नीचे से क्या है, जो डायरेक्ट ऐसे इंटर करेगा तो नीचे से यहाँ कम गैस इंटर होगा तो टकराएगा, टकरा के जो मटेरियल होगा वो जो सॉलिड जो ज़्यादा हैवी वेट होगा वो मटेरियल वो नीचे गिर जाएगा, और जो कम वेट का होगा वो ऊपर उठेगा और यहाँ से पास होगा। यानी कि जो इनिशियल फ्रैक्शन सेपरेशन के लिए, फ्रैक्शन सेपरेशन के लिए कि नीचे छोटा होल है ऊपर बड़ा होल है, तो नेचुरली एक नीचे से कम गैस पास होगी तो जो ज़्यादा गैस आई है तो उसको ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाने के लिए वो अपना अपवर्ड मूवमेंट करेगा, मूवमेंट अपवर्ड करेगा तो क्या, वहाँ से टकराएगा तो जो भी पार्टिकल्स है उस टकराने से उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, जीरो होकर नीचे गिरेगा वो ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स के लिए। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गैस विद इन द डर्ट एयर चैम्बर। दूसरा क्या है उसमें, इवन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अगर उसको ये नहीं होगा तो नीचे से सारी गैसें जाएगी और ऊपर से बिल्कुल गैस नहीं जाएगी, तो नीचे का जो बैक फिल्टर का नीचे का पार्ट ही खराब होगा, ऊपर का पार्ट खराब नहीं होगा। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए उसको ये दिया जाता है डर्ट एयर चेम्बर। आइसोलेशन वाल, द आइसोलेशन वाल आर यूज टू आइसोलेट इंडिविजुअल कंपार्टमेंट ड्यूरिंग द क्लीनिंग साइकिल। क्लीनिंग साइकिल होता है जब उसको इंडिविजुअल कंपार्टमेंट को आइसोलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। पल्स कंट्रोल सिस्टम, पल्स कंट्रोल सिस्टम क्या था, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है ड्यूरेशन एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ सिग्नल्स। इंडिविजुअल सोलेनाइड वाल्व कंट्रोल द यूज टू इनिशिएट द पल्सिंग ऑपरेशन। जो हमारा पल्स ऑपरेशन है, आप फिल्टर बैग में सपोज मैंने जैसे एग्जांपल पहले दिया, एक साइड में 11 चैम्बर, एक साइड में 11 चैम्बर, एक ईच चैम्बर में तीन तीन रो है, तो सबको एक साथ तो पल्सिंग करेगा तो पॉसिबल नहीं है। हमको एक को करने के बाद दूसरे को करना है, एक सिस्टम है, एक साइकिल है, उसको फॉलो करना है। फर्स्ट क्यों किया, फिर थर्ड को किया, फिर फिफ्थ को किया, फिफ्थ रो को किया, फिर सेवन्थ रो को किया। ऐसा इसलिए करते हैं कि फर्स्ट को करके सेकंड को करेंगे तो क्या, फर्स्ट क्लीन हुआ, सेकंड को क्लीन करेंगे तो क्या, सेकंड के पास में ही फर्स्ट है। जैसे सपोज ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है, फिफ्थ रो है, फर्स्ट को क्लीन किया, ठीक है, तो सेकंड डर्टी है। अब सेकंड को क्लीन करेगा तो उससे जो डस्ट है वो इस पे जाके बैठेगा अगेन, तो इसके लिए फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फिफ्थ, तो क्या फिफ्थ के बाद सेवन्थ किया, सेवन्थ को करने के बाद सेकंड पे आएंगे तो क्या, तब तक इसमें लाइट डस्ट ऑलरेडी बैठ चुकी होगी जो डर्ट डर्टी एयर से, तो उससे ये आपका उससे जो बैठेगा हल्का बैठेगा और ऑलरेडी वो डर्टी एयर चुका उसके ऊपर जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है। बट हम उसको क्लीन करके उसके ऊपर सडनली डस्ट डस्ट बिठा रहे तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो उसके लिए इसको एक ये सिस्टम है साइकिल, इसको फॉलो करना होता है। सोलेनाइड वाल्व, सोलेनाइड वाल्व क्या होता है, एन एक्सोलरी कंपोनेंट टू पल्सिंग सिस्टम यूज टू एग्जॉस्ट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर विद इन द डायफ्राम वाल। जो कुछ अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर है जो डायफ्राम वाल से पास करने के लिए, जो पल्सिंग सिस्टम के लिए यूज किया जाता है, उसको करने के लिए सोलेनाइड, सोलेनाइड ऑपरेटर। डायफ्राम है, सेल्फ ऑपरेट नहीं, वो सोलेनाइड ऑपरेटेड होता है। जो पल्सिंग सिस्टम में पल्स का जो कमांड जाएगा सोलेनाइड से, वो ऑपरेट होता है, तो सोलेनाइड ऑपरेटेड वाल होता है डायफ्राम। टेंशनिंग असेंबली, टेंशनिंग असेंबली क्या होता है, द डिवाइस असेंबली इज यूज टू मेंटेन प्रॉपर टेंशन ऑफ द डस्ट कलेक्टर बैग टू इंश्योर
दैट क्या इंश्योर करना है, इट डज नॉट स्वे एक्सेसिवली, ये बहुत ज़्यादा हिलेगा नहीं, बट अलाउ द बैग इनफ सेग कुछ हिलना टू इंश्योर प्रॉपर क्लीनिंग। टेंशनिंग डिवाइस में ऊपर में आपका वेंचुरी रखेगा, वेंचुरी के बाद में कुछ टाइट करने के लिए एक लगाया जाता है, अलग अलग सिस्टम होता है जहाँ आप जिसके यहाँ पे जैसा जुगाड़ जैसा भी आपको डिज़ाइन दिया है उसके हिसाब से उसमें लगा होता है। तो उस डिवाइस का क्या है कि उसको बहुत ज़्यादा नहीं हिलेगा, बट हिलेगा वो थोड़ा सा, जो क्लीनिंग के लिए जो जर्क मारेगा और शॉक मारेगा उतना ही हिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं हिलेगा। ट्यूब शीट, ट्यूब शीट क्या होता है कि जो फिल्टर बैग है उसमें ऊपर में एक शीट रहेगी जिसके नीचे से नीचे बैग रहेंगे और ऊपर अपना क्लीन एयर चैम्बर रहेगा, वो होता है यूज टू सपोर्ट द डस्ट कलेक्टर केज एंड बैग असेंबली। डस्ट कलेक्टर केज और बैग असेंबली को सपोर्ट करने के लिए होता है और ये सेपरेट करता है क्लीन एयर चैम्बर एंड डर्ट एयर चैम्बर को। वेंचुरी, वेंचुरी क्या एक कॉन शेप्ड, वेंचुरी क्या जो फिल्टर बैग है, फिल्टर बैग लगेगा ना उसके ऊपर में इस टाइप से कॉन शेप में रहेगी, ठीक है, इस टाइप से ये वेंचुरी रहेगी ऊपर में, वेंचुरी इस टाइप से लगी रहेगी, उसमें यहाँ का डाया कम रहेगा, यहाँ का डाया ज़्यादा है, यहाँ का कम, तो वो क्या है शेप्ड डिवाइस लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द ईच फिल्टर इन डस्ट कलेक्टर, एक एक फिल्टर बैग के ऊपर लगा, विच क्रिएट्स ए नेगेटिव प्रेशर एट द इनलेट ऑफ द वेंचुरी टू हेल्प पुल एन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम इन टू द फिल्टर एलिमेंट ड्यूरिंग पल्सिंग। पल्सिंग के लिए उसमें ज़्यादा एयर जाए उसका पर्पज़ है। वेंचुरी क्या है इसमें इनिशियल में कम ज़्यादा एरिया है, बाद में कम है, तो उसके एक वेलोसिटी को भी वो इंक्रीज करने का काम करता है। वेंचुरी आल्सो इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द एयर चैम्बर एंटरिंग द बैग ऑफ द इनहांस द शॉक वेव एंड द डस्ट द क्लीनिंग एफिशिएंसी। क्लीनिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए और शॉक को करने के लिए उसका वेलोसिटी बढ़ाने के लिए। वेंचुरी क्या होता है इसको एक हम जैसे एक छोटी सी डेफिनेशन बोलते हैं, ए वेरिंग क्रॉस सेक्शन डक्ट इन विच वेलोसिटी विल इंक्रीज एंड प्रेशर विल ड्रॉप। वेलोसिटी इसमें बढ़ जाएगा, प्रेशर उसमें ड्रॉप हो जाएगा, ये इसका है सिंपल। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में नए लर्निंग के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और हमारे दोस्त आपके दोस्तों के साथ में इस वीडियो को लिंक को शेयर करिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है वो दबाइए, उसके पास में बेल आइकन है वो दबाइए, जिससे कि जैसे ही हम न्यू वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो आपके पास पहले पहुँचे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।